Live, a platform to sharing your thoughts. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Namaskar, I'm Amit Kalla and you are watching City Live. In this special series of independence, today we are going to talk about the great personality, Gurudev Rabindranath Tagore. We would like to explore his inspiring various attributes, which are very much relevant in the contemporary time. We have three prominent speakers, three guests, three major people with us, Mr. Abhishek Goswamiji, Prashant Kalita, and Abhinav Sabyasachi ji. So Abhishek ji is one of the educationists, you know, he's exploring the various elements of education through his own notions and perspective. Mr. Sabyasachi, Abhinav ji is a theater practitioner and teaching theater from long time. And Prashant Kalita is one of the eminent painter. He's eminent painter. He's activist. He's an art activist. So aap tino ka hamare studio mein City Live mein swagat hai. Namaskar. 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 Namaste. So jaisa ki hum sabhi jante hain ki aaj hum log Gurudev Rabindranath Tagore ke vyaktitv par unka jo thought process tha, unka jo perspective tha, unke jo connotations the, unko explore karne ki koshish karenge, unko janne ki, unko samajhne ki koshish karenge. To us prakriya mein hum aage badhte hain. Pehle maine socha tha ki main aapse bahut sare sawal karu, bahut sare sawalat के उत्तर आपसे पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि टैगोर पर सवाल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टैगोर एक एक बड़ी पर्सनैलिटी है, एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी है, जहां पर बच्चों के अपने टैगोर हैं, जहां पर महिलाओं के अपने टैगोर हैं, जहां पर दलितों के अपने टैगोर हैं, जहां पर आदिवासियों के अपने टैगोर हैं, जहां पर एक पूरे देश के जो कि आजादी की कामना करता है उनके एक अपने टैगोर हैं, जहां पर संगीत के टैगोर हैं, थिएटर के टैगोर हैं, और इनफैक्ट कलिता जी पेंटिंग के एक अपने टैगोर हैं. तो टैगोर कई किस्म की कलाओं का, कई किस्म की विधाओं का, कई किस्म के दर्शनों का एक समन्वय है, उनका एक इंटीग्रल फॉर्म है. तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि गोस्वामी जी से, अभिषेक जी से, जो कि शिक्षा में काम कर रहे हैं, एक शिक्षा कर्मी हैं, एक शिक्षक के रूप में आप टैगोर को कैसा देखते हैं, आप गुरुदेव की पर्सनैलिटी को कैसा पाते हैं. अभिषेक जी. धन्यवाद अमित जी. इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं कुछ चीजें यहाँ पर आप सबसे साझा करना चाहूंगा. वो थोड़ी सी अपनी सीमाओं की है, तो वो सीमाएं क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ. तो पहली सीमा तो ये है कि मैं बांग्ला नहीं जानता. नहीं जानता से आशय यहाँ पर यह है कि ना मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, ना बांग्ला लिख सकता हूँ. और टैगोर के बारे में और टैगोर के द्वारा शिक्षा के बारे में जो कहा गया है, उस पर मेरी जो थोड़ी बहुत समझ बनी है वो हिंदी अनुवादों से बनी है. तो अनुवादों की सीमाएं आप जानते ही हैं कि एक मूल भाषा बांग्ला से जब अनुवाद कोई चीज होती है तो एक लेवल का डाइल्यूजन वहां पर हो जाता है, और दूसरे लेवल का डाइल्यूजन वहां पर होता है कि अनुदित पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं और अनुदित पुस्तकों से कोई अर्थ निर्माण करते हैं, तो अर्थ निर्माण करने वाले की भी अपनी एक सीमा होती है. तो यानी कि यहाँ पर अर्थ निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में मेरी भी कुछ सीमाएं रही हैं. तो ये तीन तरह की सीमाएं मैं आपके सामने रखते हुए अपनी बात रखूंगा. और टैगोर को मैं एक शिक्षा कर्मी के रूप में या एक शिक्षक के रूप में किस तरह से देखता हूँ, इस बात को यहाँ पर मैं स्थापित करने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने खुद ही कहा कि टैगोर को सिर्फ कवि के रूप में देखना, सिर्फ चित्रकार के रूप में देखना, सिर्फ शिक्षा कर्मी के रूप में देखना, सिर्फ संगीतकार के रूप में देखना, सिर्फ नाटककार के रूप में देखना, ये अपने आप में बहुत ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच है. बहुत ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच है कि हम ये कहने लगते हैं कि कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, या हम ये कहें कि चित्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर, या शिक्षा कर्मी रविन्द्रनाथ ठाकुर, या नाटककार रविन्द्रनाथ ठाकुर, या संगीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच होगी.
मुझे लगता है जितना मैं टैगोर को पढ़ पाया हूँ और जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें समग्रता में देखने की आवश्यकता है, और समग्रता में इस तरह से देखने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो उनके उनकी जो दृष्टि थी मनुष्य के रूप में, वो इस पूरे विश्व को कैसे देखते हैं और समाज को कैसे देखते हैं, व्यक्ति को कैसे देखते हैं, यहां से हमें इसका सिरा मिलेगा कि उनको चित्रकार के रूप में कैसे समझा जाए, उनको शिक्षा कर्मी के रूप में कैसे समझा जाए, उन्हें थिएटर कर्मी के रूप में कैसे समझा जाए, उन्हें संगीतकार के रूप में कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि उनको एक दार्शनिक के रूप में हम समझें, और उनकी विश्व दृष्टि क्या थी, मनुष्य के रूप में वो क्या सोच रहे थे, प्रकृति के बारे में वो क्या सोच रहे थे, और समाज के बारे में वो क्या सोच रहे थे, और ऐसे कौन से मूल्यों को वो खोजने की कोशिश कर रहे थे जो इस डायनेमिज्म को, जो प्रकृति के बीच में, समाज के बीच में, और प्रकृति समाज और व्यक्ति के बीच में डायनेमिज्म को बनाए रखता है, उस गतिशीलता को बनाए रखता है, और इनके सहसंबंधों को वो कैसे देख रहे थे, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी होगा। तो जितना मैं टैगोर के बारे में समझ पाता हूं, मुझे लगता है कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो विभिन्न फिनोमिनास के बीच में सह अस्तित्व की वजह से पैदा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जहां पैदा होता है, इस समाज में पैदा होता है, तो वो एक प्रकृति के बीच में पैदा होता है, एक समाज के बीच में पैदा होता है, और अपनी अपार क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। और व्यक्ति की, मनुष्य की जो अपार क्षमताएं होती हैं, वो पूरी अपार क्षमताएं प्रकृति और समाज के साथ अंतःक्रिया करके परिपोषित होती हैं, पल्लवित होती हैं, और पल्लवित होने के बाद वो वापस प्रकृति को, समाज को देने के लायक बनती हैं। तो ये एक अपने आप में एक चक्र है, एक सर्किल है। तो टैगोर के दर्शन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सह अस्तित्व है प्रकृति, समाज और व्यक्ति के बीच का, जो सह अस्तित्व है, वो सह अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट सह अस्तित्व है, और वो सह अस्तित्व के रूप में ही इस पूरे गतिशीलता को देखते हैं, इस पूरे विश्व को देखते हैं, और यहीं से फिर उनका सारा कलाकर्म भी निकलता है, यहीं से उनका सारा दर्शन भी निकलता है, यहीं से पूरा उनका शिक्षा के बारे में उनके विचार निकलते हैं, और सभी कुछ जो वो करते हैं, जिस बात के वो पैरोकार है, जिस बात की पैरवी वो करते हैं, वो यहीं से निकलते हैं। तो चूंकि मुझे आपने ये जिम्मा दिया है कि मैं शिक्षा पे केंद्रित करूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी? नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि मैं अगर अभिनव कुछ ऐड करना चाहे इसमें थोड़ा सा। अभिनव, मेरा ख्याल है अभिषेक जी कह रहे हैं, मैं मुझे जहां लगेगा, मैं अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन ठीक है। जी अभिनव जी, अभिषेक जी भाई, तो ये जो सह अस्तित्व की भावना है, वो सह अस्तित्व की भावना कैसे बनी रहे, और वो सह अस्तित्व की भावना से ये जो गतिशीलता है और उसमें एक सौहार्द हमेशा मौजूद रहे, इस अवधारणा के साथ ही हम सारी चीजों को जोड़कर हम देख सकते हैं। तो चूंकि आपने ये कहा कि मैं थोड़ा सा शिक्षा पर इसको केंद्रित करूं, तो मैं शिक्षा के बारे में जो टैगोर के कुछ मूल अवधारणात्मक विशेषताएं हैं उनके दर्शन की, मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, और आज के आलोक में उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई है भारत के संदर्भ में। एक नई शिक्षा नीति आई है, और दूसरी पिछले कुछ दिनों से हम 21वीं सदी के कौशलों पे बात कर रहे हैं, और विश्व में 21वीं सदी के कौशलों पर चर्चा हो रही है। तो इन दोनों के आलोक में मैं टैगोर के शिक्षा दर्शन को देखने की कोशिश करता हूं, और कैसे आज उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, इस पर एक नजर डालने की कोशिश मैं करता हूं। ये बहुत आप मुझसे एक दुराग्रह करवा रहे हैं कि मैं टैगोर के बारे में आज 21वीं सदी में जब नई शिक्षा नीति आई है इस तरह की चीजों पर मैं अपनी राय रख रहा हूँ अपनी सीमित समझ के साथ, ना भाषा की समझ है ना अनुवादों की समझ है, और अपनी तरह के अर्थ निर्माण करके मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ। तो ये एक दुस्साहस मैं करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं एक बात रखता हूँ। ये दुस्साहस करने का ही मंच है अभिषेक जी, ये दुस्साहस करने का मंच है, और आप बिल्कुल अपनी बात को रखिए, और आपकी काबिलियत क्या है ये हम सभी जानते हैं। प्लीज अभिषेक जी।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैश्विक परिदृश्य में आज क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप ये देखिए, पूरे दुनिया भर में आज 21st सेंचुरी स्किल्स के नाम से जिन चीजों को हाईलाइट किया गया है, यानी कि मनुष्य के अंदर किस तरह की क्षमताएं होनी चाहिए, आज के मनुष्य में किस तरह की क्षमताएं होनी चाहिए, उन कौशलों को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभी गिनाता हूँ कि किन कौशलों को चिन्हित किया गया है। उन कौशलों में जिन चीजों को चिन्हित किया गया है वे है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन, और दूसरी है क्रिएटिविटी, तीसरी कोलैबोरेशन, चौथी कम्युनिकेशन, पांचवी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, छठी मीडिया लिटरेसी, सातवीं टेक्नोलॉजी लिटरेसी, आठवीं फ्लेक्सिबिलिटी, नवीं लीडरशिप, दसवीं इनिशिएटिव, ग्यारहवीं प्रोडक्टिविटी और बारहवीं सोशल स्किल्स। तो इन टर्मिनोलॉजी के आधार पर आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो कौशल अपेक्षित हैं आज के मनुष्य से, ये कंप्लीटली एक उपभोक्तावादी नजरिया है, जो बाजार का जो नजरिया है या इंडस्ट्री में जिस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में जिस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से मनुष्य के कौशलों को डिफाइन किया गया है कि ये सारी चीजें चाहिए। और अब हम आते हैं कि ये इंडस्ट्री ड्रिवन विश्व है और ये बाजार आधारित एक विश्व है जिसमें एक मनुष्य से इस तरह की डिमांड की जा रही है कि उसके पास ये कौशल होने चाहिए और इन कौशलों को विकसित किया जाना चाहिए और इसी तरह की एक शिक्षा होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह की एक बौद्धिक गफलत है, किस तरह की एक बौद्धिक चालाकी है जिसमें मनुष्य की नैसर्गिक क्षमताओं के साथ बाजार में जिस तरह के कौशलों की आवश्यकता है उनको भी साथ साथ घुसेड़ दिया गया है और तकनीक की और टेक्नोलॉजी की जरूरतों को भी एक नैसर्गिक यहाँ पर मान लिया गया है। ये 21वीं सदी के कौशल हमें बताते हैं। एक तो ये संदर्भ है मैं जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और दूसरा वह संदर्भ है जो नई शिक्षा नीति में या पुरानी जितनी भी शिक्षा नीतियां हैं, आप सारी शिक्षा नीतियों को उठाकर देख लीजिए, सारी शिक्षा नीति 1986 से लेकर अब तक की जो शिक्षा नीति है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कोटेशन के बिना शुरू ही नहीं होती। अभी नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जो उन्मुक्तकारी हो, यानी कि एक व्यक्ति को स्वतंत्र करे, और मनुष्य की जो स्वायत्तता है, मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसको बनाकर रखे। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वायत्त पैदा होता है, और टैगोर में टैगोर के कोटेशन के साथ हम नई शिक्षा नीति को शुरू करते हैं 1986 में भी, और हम ये जो टैगोर का दर्शन था वहां से हम ये स्वतंत्रता का जो बिंदु है, विमुक्तकारी शिक्षा का जो विमर्श है, उसके साथ हम शिक्षा नीतियों को बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विमुक्तकारी हो। तो ये कोई भी शिक्षा नीति टैगोर के बिना शुरू नहीं होती, हम ये दूसरी तरफ ये देखते हैं। और फिर शिक्षा नीति को जब खोलने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारी और भी चीजें धीरे धीरे शामिल होने लगती है, और उसमें फिर बाजार का एंगल भी आ जाता है, सामाजिक अपेक्षाओं का एंगल भी आ जाता है, सीखने वालों की क्षमताओं का एंगल भी आ जाता है, शिक्षा की अपनी जो जरूरतें हैं, शिक्षा के और जो दर्शन हैं उनको शामिल करने की एक पैरवी भी आ जाती है, और इस देश में जिस तरह की विविधताएं हैं उन विविधताओं को कैटर करने की एक मंशा भी वहां पर आ जाती है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो शुरू तो टैगोर के दर्शन से होती है लेकिन धीरे धीरे डायल्यूट होने लगती है, और वो विमुक्तकारी शिक्षा अगेन एक सिस्टम में, एक सांचे में बांधने वाले जिसे कहने चाहिए कि तंत्र की तरह हमको दिखाई देने लगती है। अब हम आते हैं टैगोर के अपने विमर्श। अभिषेक जी हम वापस आपके पास में लौटते हैं, जरा प्रशांत जी से हम ये जाने कि वो आर्ट के क्या एस्पेक्ट थे, विजुअल आर्ट के। अभिषेक जी वापस आपके पास में आते हैं। प्रशांत भाई, पेंटर, एज अ पेंटर आप टैगोर को कैसा जानते हैं, कैसा फील करते हैं? मेरा जो अनुभव है रविंद्रनाथ टैगोर के कलाकारी के ऊपर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब देखिए कि जो एक क्रिटिक किसी कलाकार के काम के ऊपर जब कोई क्रिटिसाइज करते हैं और एक कलाकार किसी कलाकार के ऊपर जब क्रिटिसाइज करते हैं उसको एनालाइज करने का मतलब
परिस्थिति अलग होता है। मैं खुद ही एक पेंटर हूँ, इसीलिए मेरा सोचना थोड़ा सा बाकी उसे अलग होंगे। ऐसे भी आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इतना विशाल व्यक्तित्व है, तो उनके बारे में हम कुछ भी कहना बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे उनके कुछ बातों को मेरा दृष्टि से देखने का। टैगोर का पेंटिंग्स के बारे में कहने का पहले हम उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे अभिषेक जी ने जो बात बताया है एजुकेशन सिस्टम है, तो वो बात मैं थोड़ा सा आपको दो तीन सेकंड में बताना चाहूंगा कि उस समय ऐसा परिस्थिति था कि एक ओपन स्कूल था। जैसे आपको पता है कि शांति निकेतन ऐसा एक स्कूल है, बंगाल स्कूल का ऐसा एक संस्था है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, जहां पे ओपन स्कूल का एक व्यवस्था था। जैसे जो कलाकार है वो यू नो किसी पेड़ के नीचे बैठ के वो शादी करता था, जो इंप्रेशनिस्ट और पोस्ट इंप्रेशनिस्ट जो मूवमेंट के जो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने देखे नेचर के ऊपर ड्राइंग करना है, तो यू नो आप स्टूडियो के अंदर बंद होके आप किसी चीज को आप अध्ययन नहीं कर सकता, या किसी चीज को आप कोई सृष्टि नहीं कर सकता है। आप जैसे इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने कि मतलब नेचर में गए थे, उनको नेचर के ऊपर पेंटिंग है, तो नेचर में नेचुरल जो लाइट्स होता है वहां पे, है ना, हर वक्त का सुबह का लाइट अलग होता है, दोपहर का लाइट अलग होता है, शाम का लाइट अलग होता है, एक ही नेचर में एक ही प्राकृतिक दृश्य के ऊपर अलग अलग लाइट के कारण किस तरह से पेंटिंग में एक वेरिएशन आता है, उसका एक मिस्ट्री पैदा होता है। वो चीज मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एडॉप्ट किया था अपना शांति निकेतन में बना। अब बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है अपना देश में, जैसे बड़ौदा हो गया, दिल्ली में है और अन्य अन्य राज्यों में भी है, बट जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो शांति निकेतन प्रतिष्ठा हुआ था, इसका कारण ही एक था मुझे लगता है कि उन्होंने जो वहां पे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो बाहर आते थे, नेचर में जाके उन्होंने वो किया था, ड्रॉइंग किया करता था, पेंटिंग किया करता था। तो उस चीज से क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब मैं देखिए कि टैगोर का पेंटिंग के बारे में कहने के लिए चार यू नो दिशा में हमें बात करना होगा। एक तो है कि टैगोर ने एनिमल्स को लेके काफी उन्होंने पेंटिंग्स किया था, ड्राइंग्स किया करता था, फिर लैंडस्केप के ऊपर उन्होंने काम किया करता था। तो ड्रामेटिक और वो जो थिएटर का जो सीन होता है उसको लेके फिगरेटिव पेंटिंग भी किया करता था, और फोर्थ में जाके उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था फेस को लेके, ठीक है ना। तो आप अभी देखिए कि वो एक बहुत ही मिस्ट्री है उनका काम में, उनका जो फिलोसफी है। एक तो उस समय का जो बंगाल स्कूल में आर्ट का जो सिनेरियो था, उन्होंने बाकी आर्टिस्टों ने जिस तरह से वो एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया करता था, जैसे कि वो आपको पता होगा कि यू नो पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्ट मूवमेंट में ऐसा होता था कि वो ब्रिटिश जो माइग्रेटेड आर्टिस्ट इंडिया में आए थे, उन्होंने एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट किया था। राजा रवि वर्मा जैसा आर्टिस्ट ने उस चीज को अडॉप्ट किया था, पर्सपेक्टिव का नॉलेज हो, फिर कैसे ऑयल पेंटिंग किया जा सकता है उसके ऊपर एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने एक इंडिया में इंडियन आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। बट उस चीज को लेके गगनेंद्रनाथ टैगोर हो, अवनींद्रनाथ टैगोर हो, इन जैसे आर्टिस्टों ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया था, बोला कि हमारा जो इंडिजिनियस जो स्टाइल है हम उसको क्यों छोड़े। इसीलिए उन्होंने आपको बिल्कुल पता होगा कि वो वाश टेक्निक जो है, वाश टेक्निक को लेके उन्होंने जो वाश टेक्निक जो है एकदम बिल्कुल ही हमारा इंडियन स्टाइल है, इंडियन मेथोडोलॉजी है जी, वो इस चीज को लेके उन्होंने मिनिएचर्स में भी कहीं कहीं वो दिखाई देता है। हाँ, मिनिएचर्स के अंदर इंडियन मिनिएचर्स। अभी तो उसका प्रैक्टिस भी बंगाल में होता है, बट बाकी जगहों में उसका कोई प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारा अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया हुआ स्टाइल था। जो मिनिएचर आप देखिएगा कि जो मिनिएचर स्कूल्स है, मिनिएचर जो प्रैक्टिस था, उसके बाद जो वाश टेक्निक जो है वो अपना देश का एक इंडिजिनियस स्टाइल, जो आर्टिस्टों ने खुद उसको बनाया था, एडॉप्ट किया था। अब देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस चीज को लेके काम नहीं किया था, वाश टेक्निक के ऊपर काम नहीं था, उनका काम था इंक और वाटर कलर के ऊपर। देखिए दो एक है, एक ही समय में कुछ आर्टिस्टों ने ब्रिटिश पेंटर्स का जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी था, जो
उन्होंने इंडिया में स्थापित किया था उसके अगेंस्ट में काम करा था जो आपका वास टेक्निक को लेकर, बट रविंद्रनाथ टैगोर ने वो नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर का एक फिलोसफी बिल्कुल डिफरेंट था। उनका फिलोसफी था कैसे मैं अपना जो इंडियन एलिमेंट्स है, इंडियन सब्जेक्ट है, इसको लेके काम कर। आप देखिएगा जब टैगोर का आपका जो फेस स्टडी उन्होंने किया था, हेड स्टडी जो किया था, उसमें बिल्कुल आपका इंडियन फिगर है, ठीक है। लैंडस्केप भी आप देखेंगे कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का वो लैंडस्केपिंग है, तो खुद ही एक पर्सनालिटी था कि वो हर चीज में, जैसे अभिषेक जी ने बताया कि कंप्लीट मतलब पर्सनालिटी था, उन्होंने हर फिल्म में उन्होंने काम किया था। एक थिएटर आर्टिस्ट भी था, एक संगीतकार था, एक गायक था, एक फिलोसोफर था, एक पोएट था, और एक आर्टिस्ट भी था, मतलब विजुअल आर्टिस्ट भी था, पेंटिंग पेंटर भी था। तो आप देखिए कि उनका जो कहीं ना कहीं पोएट्री के साथ और थिएटर के साथ उनका एक बहुत अहम वो है, संबंध है उनका जो विजुअल आर्ट, क्योंकि उनका जो फिगरेटिव जो पेंटिंग आप देखेंगे, फिगर्स को लेकर उन्होंने जो पेंटिंग किया आप जब देखेंगे, उसका एक लाइट्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे थिएटर में होता है। जैसे आप देखेंगे कि उनका जो फिगर उन्होंने जिस तरह से उसको कंपोज किया गया है, वो बहुत ही थिएटिकल, मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो बहुत ही थिएटिकल है, जो थिएटर में आप देख पाते हैं, है ना। उसी तरह आप देखेंगे कि लैंडस्केप का खासियत ये है कि वो एक इस तरह के नेचुरल लाइट को भी इस तरह से उन्होंने थिएटिकल लाइट में कन्वर्ट करके उन्होंने पेंटिंग में डाला है, ताकि वो एक मिस्ट्री, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का होल लाइफ में आप जब देखेंगे, उनका फिलोसफी पढ़ेंगे या उनको आप स्टडी कर पाएंगे कि एक बहुत ही मतलब मिस्ट्रियस और आदमी थे, मुझे लगता है। तो उनका वो रिफ्लेक्शन मुझे हर यकीनन आपने जो कहा कि उनका जो मिस्ट्री है, उनका जो वो रहस्यवाद है, उनका जो एक जो तिलिस्म है वो मिस्ट्री का, वो सब जगह रिफ्लेक्ट होता है उनकी पोएट्री में। यकीनन जो गीतांजलि मेरे पास में रखी, गीतांजलि को मैं उसके पन्ने पलट रहा था, तो ऐसा लगता है कि वो एक नए किस्म का एक उपनिषद है ना, या नए किस्म का एक किसी सूफी मास्टर की या जैन मास्टर की कुछ उनके शब्द हैं, तो वो मिस्टिसिज्म वहां पर दिखता है। आपने जो वॉश टेक्निक का जिक्र किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हम वापस आपके पास में आएंगे, वापस लौटेंगे, वापस आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। मैं अभिनव सब्यसाची जी की तरफ चलता हूँ, जो कि अभी पहाड़ों में बैठे हैं इस समय, हिमाचल में या मेरे ख्याल से उत्तराखंड में, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर हैं, लेकिन हिमाचल में हैं आप। तो आपका क्या सोचना है टैगोर के थिएटर के जो 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 पर्सनैलिटी है उनके भीतर की, थिएटर जो उनके भीतर स्पंदित होता था, या थिएटर से जो वो रूबरू, अपने थिएटर से जो रूबरू करवाते हैं? अभिनव भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे अभिषेक भाई ने कहा और प्रसन्नता जी ने कहा, वही मैं रिपीट करूंगा कि एक विशाल व्यक्तित्व है रविन्द्रनाथ टैगोर। वो अपने जीवन काल में जितने गाने कंपोज भी करते हैं, लिखते भी हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं, नाटक भी लिखते हैं, पेंटिंग, मतलब वो हर विधा में जिस तरह से एक्टिव हैं, वो लगता नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का एक लाइफ टाइम है, उससे कहीं ज्यादा का। तो उसका मूल्यांकन हम 5 घंटे 10 घंटे भी बैठ जाए डिस्कशन में शायद हम ना कर पाए। तो इसी लिमिटेशन का फायदा उठाते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं जो कहूंगा वो बहुत ही अपनी जो थोड़ी बहुत समझ मेरी समंदर के इस विशाल समंदर में जो थोड़ी बूंद या शायद रेत की बनी है, उसके बारे में बात कर सकता हूं मैं। तो मैं निश्चित तौर पे कहीं गलत भी हो सकता हूं, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं मैं जो मैं नहीं जानता उसको मैं कहूंगा नहीं, तो मैं वहां पे चुप भी रहूंगा। लेकिन क्योंकि जैसा अभिषेक जी ने कहा और प्रसन्नता जी ने कहा, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे, और एक गजब का रेस्टलेसनेस था, क्रिएटिव रेस्टलेसनेस था इस आदमी में। वो आदमी मुझे अगर वही मैं कह रहा हूं कि वो आदमी, यानी एक ही दिन में पेंटिंग भी बना रहा होगा, उसी दिन वो कोई ड्रामा भी लिख रहा होगा, उसी दिन वो एक गाना भी कंपोज कर रहा होगा, उसी दिन वो एक गीत भी लिख रहा होगा। तो वो एक 24 घंटे, हम तो मतलब 8 घंटे 10 घंटे कि हम 2 घंटे कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो हम मतलब ऐसे 5 घंटे 10 घंटे सोने चले जाते हैं।
लेकिन वो आदमी इतना रेस्टलेस है, उसकी क्रिएटिव एनर्जी मतलब वो अद्भुत है। ये कहने के बाद जब मैं अलग से थिएटर की बात करता हूं तो मैं ये साथ में कहूंगा कि वैसे तो कोई मूल्यांकन इसका कोई रेटिंग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जब मैं देखता हूं कि सबसे ऊपर मैं गुरुदेव को एक थिंकर, एक फिलोसोफर मानता हूं। उनकी थिंकिंग, उनकी फिलोसफी का जो असर है उनके बाकी सारे विधाओं पर अब पड़ता है। गीत वो उसके बाद मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे कंपोजर थे, बहुत अच्छे गीत लिखते थे। उसके बाद कहीं थिएटर आता है, मतलब शायद तीसरे या चौथी जगह पे, अगर मैं दृष्टता करूं उनको रैंकिंग में डालने की। तो ये जो फिलोसफी, थिंकिंग, उसके बाद म्यूजिक, उसके बाद ये जो बाकी जो विधाएं हैं, उनका एक भार ड्रामा पर, थिएटर पर उनके पड़ता है। ये मजेदार है देखना कि वो थीम वाइज जो चीज चुन रहे हैं उस समय, वैसे थीम उस समय कंटेम्प्रेरी बंगाली थिएटर में कहीं कोई नहीं ले रहा। मिथ सब यूज कर रहे हैं, लेकिन मिथ को कंटेम्प्रेरी कैसे किया जा सकता है, इस पे एक्सपेरिमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर कर रहे हैं अपने 40 साल के एक्टिव प्ले राइट करियर में। तब वो जब 20 साल के थे तब उन्होंने सबसे पहले वाल्मीकि प्रतिभा लिखा, और शायद ऑलमोस्ट जब वो मृत्यु शैया पे थे तब तक वो एक्टिव रहे नाटक लिखने भी। 60 के आसपास तो उन्होंने नाटक ही लिखे जिसमें नृत्य नाटिका है और लघु नाटक और सब मिलाकर। तो एक कंटेम्परी, अपने समय के कंटेम्परी थिएटर एक प्लेराइट के तौर पर भी वो एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने विषयों को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। अगर उनके नाटकों के हम नाटकों को देखें तो तीन फेज मिलते हैं। एक जब से उन्होंने लिखना शुरू किया 1881 में उन्होंने शायद पहला नाटक लिखा था, और उसके बाद से हम देखते हैं कि 1901 तक का एक फेज है। उसके बाद शांति निकेतन वो शुरू करते हैं, और शांति निकेतन में वो अपने थिएटर को ही नहीं, अगर मेरा ख्याल है अभिषेक जी और प्रसन्नता जी भी एग्री करेंगे कि शांति निकेतन में वो फिर से वो नए तरीके से पेंटिंग को भी, म्यूजिक को भी और थिएटर को भी एक्सप्लोर करते हैं और नई चीजों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद 20 साल बाद वो एक गंभीर, एक शांत मनीषी की तरह फिर से सारी विधाओं को देखते हैं, जिसमें थिएटर को भी देखते हैं। यानी 1921 के बाद एक बहुत ही बड़ा थिंकर, फिलोसोफर हमें उनके हर विधा में दिखता है। नेचुरली वो थिएटर पे भी आता है, थिएटर में बहुत ज्यादा ठहराव आता है। थिएटर में उनका विषय जो है वो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स की तरफ चला जाता है, जिस पर हम थोड़ा, और मुझे लगता है कि हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो पूरा उनका व्यक्तित्व है, हम देखते हैं कि वो हमेशा ओपन टू न्यू थॉट्स होते हैं। 20 साल की उम्र में वो उस समय के जो थिंकर से उनके साथ बैठ रहे हैं, उस समय नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, उस समय ब्रह्म समाज का मूवमेंट चल रहा है, उनको वो अपने विषय बनाते हैं। बाद में जब एजुकेशन का जब उनका फेज है, उस समय वो छात्रों के साथ, वो कोरस में बहुत नाटक करते हैं, और मतलब ऐसे नाटक नहीं लिखते जहां पे एक को, एक या दो कोई पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो पूरा शांतिनिकेतन का फेज है उसमें वो सामूहिक मतलब सबके सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे नाटक लिखते हैं, या कम ही कैरेक्टर के नाटक लिखते हैं, पांच ही कैरेक्टर या दस ही कैरेक्टर के लिखते हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे ही वो अपने 1921 के बाद वाले फेज में जाते हैं, उनके नाटकों के विषय बेहद गंभीर हो जाते हैं और वो पॉलिटिकल हो जाते हैं। बहुत बार वो बहुत, आपको लगेगा कि वो डायरेक्ट चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कवि हृदय थे तो वो, और वो उस भाषा में नहीं लिखते कि शायद अंग्रेजों को लगे या किसी को लगे कि वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, पर उनकी वो धार, उनकी जो उनके उनकी भाषा को समझ रहा होगा, जो उनके उनकी उनके जो
उनका जो व्यक्तित्व में उनके जो ग्रोथ हुआ है उसको समझ रहा हो, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे वो गांधी से इंस्पायर होकर लिख रहे हैं, यहाँ पे वो सुभाष को सोचकर लिख रहे हैं, यहाँ पे हिटलर के बारे में लिख रहे हैं। और ये बहुत मजेदार है जो हम आगे बात करेंगे। जी जी अभिनव, फिर से हम आपकी तरफ आएंगे, फिर से हम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपने इन पक्षों को जो खोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो पक्ष जो खोले, जो पॉलिटिकल है, मैं चाहूंगा कि अगली बार आप जब हम आपसे मुखातिब हों तब आप उस पॉलिटिकल थिएटर का भी थोड़ा जिक्र करें, जिससे हम सीख पाए। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम सभी उसको जाने कि जी ये जो प्रोसेस है, ये पूरी एक हम लोग सब एक प्रोसेस का हिस्सा है, हम सभी उस सीखने को की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लगातार ये कुछ ना कुछ एक चर्निंग ऑफ द ओशियन है जिसमें से हम कुछ कुछ चीजों को निकालते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हम सब आधे अधूरे हैं जी, और ये दुनिया का सौंदर्य भी है। तो गोस्वामी जी की तरफ हम जाएंगे, अभिषेक भाई की तरफ, अभिषेक सर की तरफ। अभिषेक जी, आप फिर से आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, उस शिक्षा के तत्व की तरफ आप आगे जाए। तो इस बीच प्रशांता ने जो बात कही, अभिनव ने जो बात कही, वहाँ से भी काफ़ी सारे सिरे जो बात मैं कर रहा था उसके जाके जुड़ जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति संपूर्णता में था। वो इकलौते मतलब अकेले आइसोलेशन में चित्रकार नहीं था, या आइसोलेशन में संगीतकार नहीं था, थिएटरकार में नहीं था, तो वहाँ से जुड़ जाते हैं। मैं पीछे प्रशांता और अभिनव ने जो बात की उनमें मैं दो तीन चीजें को चिन्हित किया है मैंने, और उन्हीं के आधार पर आपके सवाल के प्रत्युत्तर में मैं आता हूँ। तो एक तो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता की जो छटपटाहट थी कि किसी भी तरह की आसपास जो संरचना बनती है, चाहे वो सामाजिक संरचना हो, चाहे वो राजनीतिक संरचना हो, चाहे वो किसी तरह की कोई सांस्कृतिक संरचना हो या आध्यात्मिक संरचना हो, उसमें एक व्यक्ति के रूप में कोई भी चीज उनको, उनके चलने फिरने को, उनकी वैचारिकी को, उनकी अभिव्यक्ति को और किसी भी तरह की स्वतंत्रता को यदि बाधित कर रही है, तो वो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए और सह अस्तित्व की जो सौंदर्य है उसके साथ रहते हुए अपने आप को प्रकट करते रहे, मुझे ऐसा लगता है। इसी में उनका शिक्षा का विमर्श भी आता है। यहाँ थोड़ा सा परिदृश्य हम फिर से स्थापित करते हैं कि चूंकि ये आजादी से पहले का समय था और अंग्रेजों की का राज था वहां पर, और एक तरह से जो पहले वाला जो सामंतशाही थी वो जा रही थी, और सामंतशाही गई थी और अंग्रेजों का राज था, और कहीं कहीं पर लोकतंत्र का भी एक विमर्श शुरू हो गया था कि एक लोकतांत्रिक की जो स्थापना के लिए एक विमर्श भी शुरू हुआ था, आंदोलन भी शुरू हो गए थे। हम देख सकते हैं पूरे देश में किस किस तरह के आंदोलन शुरू हो गए थे। एक तरफ गांधी थे तो दूसरी तरफ पूरा एक भगत सिंह जैसी विचारधारा भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहे थे। तो विचारक के रूप में, एक शिक्षा के विचारक के रूप में स्वतंत्रता यहाँ भी उनके केंद्र में देखते हैं हम, और शिक्षा के सबसे बड़े उद्देश्य के रूप में वो स्वतंत्रता को देखते हैं। यहाँ शिक्षा का एक उद्देश्य है स्वतंत्रता, ये जहां पर उनका अपना एक मौलिक छटपटाहट भी है। स्वतंत्रता की जो छटपटाहट है वो तो है ही सही, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ एक सांस्कृतिक बोध भी दिखाई देता है। जब वो सा विद्या विमुक्त का जो हमारा सांस्कृतिक पूंजी के रूप में हम इस नारे को देखते हैं या इस जुमले को देखते हैं कि सा विद्या विमुक्त है, यानी कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति को मुक्त करे, तो एक तरह से वो एक सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जा रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें अपने व्यक्तिगत इनपुट, वो संस्कृति और धर्म के मामले में रिचुअलिस्टिक नहीं है। यहाँ पर वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जो मूल्य स्थापित हुए हैं उन मूल्यों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शाश्वत मूल्यों के तौर पर आगे ले जाने की पैरवी कर रहे हैं। वो मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि धर्म से भी वो नैतिकता को लेते हैं और कर्मकांड को छोड़ देते हैं, कर्मकांड को छोड़ देते हैं। ये सबसे दिलचस्प बात है। और यहाँ पर जो हमारे सांस्कृतिक पूंजी के रूप में सा विद्या विमुक्त जैसा विमर्श आता है, वहां से स्वतंत्रता के मूल्य को लेते हैं, उसके साथ अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो छटपटाहट है उसको जोड़ते हैं,
और एक नया विमर्श खड़ा कर देते हैं कि शिक्षा वही होनी चाहिए जो व्यक्ति को मुक्त करे, और मुक्त करे किसके साथ, मुक्त करे प्रकृति के साथ और समाज के साथ, सह अस्तित्व का जो सौंदर्य है उसके साथ मुक्त करने की वो बात करते हैं। फिर आगे जाके शिक्षा में वो प्रक्रियाएं कैसी होनी चाहिए इस पर भी जाते हैं, और सिर्फ जाते ही नहीं, विमर्श में ही नहीं जाते हैं, वो अपना खुद का एक संस्थान भी बनाते हैं जहां पर इस तरह की जो दर्शन है, इस तरह के जो मूल्य है, उन मूल्यों को प्रायोगिक रूप में भी लोगों को देख सके। वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन, फिलोसफी का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो फिलोसफी का डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ भी जाने की बात कर रहे होते हैं। तो तीन बिंदु अगर हम रविन्द्रनाथ के शिक्षा दर्शन में से निकालना चाहें तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता उसके केंद्र में है, दूसरा स्वतंत्रता को प्राप्त करने के क्रम में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, सामाजिक संरचना या जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उसके प्रति प्रतिकार और उसकी अभिव्यक्ति उनके शिक्षा के केंद्र में है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति उसके शिक्षा के केंद्र में है। जैसे हम ये, जैसे अभिनव ने अभी एक इशारा किया कि ये जानते हुए कि ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, उन्होंने उसको जुमला और नारा नहीं बनाया या धरना प्रदर्शन नहीं बनाया, उसकी एक कलात्मक अभिव्यक्ति की बात कही है। तो जितनी भी संरचनाएं हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो बाधित कर रही हैं, उनकी एक कलात्मक अभिव्यक्ति को उन्होंने अपने शिक्षा के केंद्र में भी रखा है। तो ये स्वतंत्रता एक मूल्य है, दूसरा सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति यानी प्रकृति के और समाज के साथ अंतःक्रिया करते हुए मेरे जो निजी परसेप्शंस बन रहे हैं, निजी जो अनुभूतियां मुझे हो रही हैं उनका प्रकटीकरण, वो प्रकटीकरण वो अपनी उत्तेजनाओं का प्रकटीकरण भी हो सकता है, वहीं पर वो जो हमारी अच्छी भावनाएं हैं यानी कि जो मुझे सुंदर लग रहा है, जो मुझे रोमांचकारी लग रहा है, जो मुझे खुश कर दे रहा है, उन भावनाओं उन अनुभूतियों का प्रकटीकरण भी वहां पर स्व अभिव्यक्ति के रूप में वो कह रहे हैं कि वो स्व अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इसको शिक्षा का काम होना चाहिए, इसको शिक्षा का काम होना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ इंसानों की सक्रिय सहभागिता, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक संज्ञानात्मक स्पेस में, हम सिर्फ मेंटल स्पेस में, कॉग्निटिव स्पेस में प्रकृति की बात करते रहें और उसके साथ कोई अंतःक्रिया ना हो, हमारे कोई ठोस अंतःक्रिया ना हो। टैगोर के शिक्षा विमर्श में वो प्रकृति के साथ ठोस अंतःक्रिया की पैरवी करते हैं कि पेड़ की सिर्फ बात ना हो, पेड़ पे चढ़कर देखा जाए, उस पर खेल कूद कर देखा जाए, और खेल कूद कर देखे जाने से जो अनुभव हो रहा है और उस दौरान जो ये शारीरिक अंतःक्रिया के माध्यम से टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो हमारा बन रहा है प्रकृति के प्रति, वो ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि हम दूर से बैठे हुए सिर्फ पेड़ों की बात करते रहे और उसके साथ हमारा कोई अनुभव ना हो। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत टैगोर के शिक्षा विमर्श में ये निकलता है कि प्रकृति और इंसानों के बीच ठोस और सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, और सेम प्रिंसिपल वो समाज के साथ अंतःक्रिया में भी लेकर आते हैं कि सिर्फ लोगों की बातें ना हो, सिर्फ लोगों के व्यवहारों की बातें ना हो, लोगों के साथ जिसे हम कहते हैं राजस्थानी में एक शब्द है शामलात, तो वो शामलात हो, सहभागिता हो, वो सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वो सहभागिता हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो टैगोर के शिक्षा विमर्श में आती हैं, एक तो स्वतंत्रता की छटपटाहट, स्वतंत्रता के लिए शिक्षा, दूसरा इन संरचनाओं में जो 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 कन्फ्लिक्ट आ रहा है, इन संरचनाओं से व्यक्ति का जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर, और दूसरा प्रकृति और इंसानों के साथ सक्रिय सहभागिता। जी
धन्यवाद अभिषेक जी, ये जो आप जो टर्म्स आपने आज अभी उजागर किए, शामलात, ना तेरी ना मेरी, ये तो शामलात है, मतलब जो सबकी है, ना मेरी है ना आपकी, ये सबकी जो है वो शामलात है, बहुत पुराना टर्म है और जिसको आपने रिवाइव किया, फिर से रखा हमारे सामने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज जो आप बार बार अपने वक्तव्य में दोहरा रहे थे कि सह अस्तित्व की जो बात कर रहे हैं, तो आज मुझे लगता है कि दुनिया को इसको गांठ बांध लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है, बड़ी चीज है, सह अस्तित्व के जो नियमों के साथ में जाना, सह अस्तित्व की बात को उठाना। कलिता भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आप असम से आते हैं और बांग्ला और असम ये दोनों बहुत बहुत ही, मैं कहूं कि बहुत ज्यादा नजदीकी भाषाएं हैं, राजस्थानी थोड़ी सी दूर हो जाती है या बिहारी थोड़ी सी नजदीक है, तो बांग्ला, असमिया और बांग्ला में जो आपने लैंग्वेज में टैगोर को कैसा पकड़ा या कैसा उसको समझा और उसको उसको चित्र में वो कैसा रिफ्लेक्ट हुए, उसका मैनिफेस्टेशन वहां पर कैसे आया? देखिए, बंगाल और असम जो आप भौगोलिक उसमें से देखेंगे कि दोनों ही, उनका जो कल्चर है, उनका जो सामाजिक जो जीवन है, डेली लाइफ का जो उनका जो घर का परिस्थितियां हो, बाहर का हो, वो सब कुछ, और ऊपर से आपका जो नेचुरल जो लुक है पूरे, सब कुछ एक ही जैसा है। उनका असमीज जो घर देखेंगे, घर का जिस तरह से वो एक व्यवस्था होता है वो देखेंगे, बंगाल सेम एक मतलब उसी आधार पे आता है, उसमें कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, बंगाली और असमीज का स्क्रिप्ट भी मोर ऑर लेस सेम ही है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बंगाली और असमीज का। अब देखिए, मैं गुरुदेव के जो रिफ्लेक्शंस, गुरुदेव के रिफ्लेक्शंस भाषा के, गुरुदेव का रिफ्लेक्शंस तो है ही। हमारा असम के उस टाइम के एक मशहूर साहित्यकार थे लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ, उनका जो मतलब लिखनी थे, उनका जो पोएम थे, उनका जो जो उन्होंने जो लिखा था उसमें टैगोर का रिफ्लेक्शन भी था। और टैगोर का, क्योंकि एक ही वो जो लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ ने टैगोर फैमिली से ही मतलब अपना शादी किया था, तो दोनों का ही टैगोर का और लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ का एक ही समय का ही साहित्यकार थे। तो हम जब दोनों का ही किताबें पढ़ते हैं, उनका जो लिखा हुआ हम चीजें पढ़ते हैं, दोनों के ही काम में रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देते हैं। लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ का जो लिखा हुआ है वो टैगोर का भी गीतांजलि में, जो गीतांजलि जो पोएम है उसमें दिखाई देता है, और गीतांजलि का भी कई सारे चीज लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ का जो पोएम है और ये सब में दिखाई देता है। एक तो वो है। अभी मैं टैगोर का पेंटिंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा ही मैं आपको बताना चाहूंगा। टैगोर बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे, बहुत ही स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअल नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो कोई रिलीजियन को लेके, इस तरह का कोई वो नहीं, वो था बहुत ही नेचर में जाके यू नो अपने आप को साइंडर करना, नेचर के प्रति उनका जो भावनाएं थे वो बहुत ही मतलब उस चीज को लेके मैं बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी। और बहुत टाइम, अभी हम जब पढ़ते हैं उनके बारे में, बहुत टाइम वो आइसोलेशन में रहते थे। जब कुछ लिखते थे तो कई दिन तक वो अपना कमरे से बाहर निकलते ही नहीं। तो एक जो साधना होता है किसी एक इंसान को कुछ करने का, जैसे अभिनव जी ने बोला है कि बहुत ही रेस्टलेस थे उन्होंने, कि क्योंकि देखिए, एक तो है कि अपना देश का आजादी का टाइम था, देश को आजाद करवाने का टाइम था, कुछ लोगों ने जो रिवोल्यूशन किया था, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपना तरीका निभाया था। बट टैगोर का जो है, टैगोर ने मानसिक जो विकास है आदमियों का, जब तक मानसिक विकास नहीं होंगे तब तक कोई भी नेशन यू नो अच्छे नेशन बन नहीं सकता है, एक सुरक्षित उस नेशन में लोग रह नहीं सकता है। इसीलिए टैगोर ने क्या किया है, अपना अपना तरीका अपनाया है। जैसे आप मैं आपको टैगोर के साथ ही में असम के एक जो रिफॉर्मर है गुरु शंकरदेव, उनके उसमें बोलना चाहूंगा। गुरु शंकरदेव भी ऐसा ही थे, जो गुरु मानते हैं उनको, उनका 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 नामघर प्रतिष्ठा किया उन्होंने, उन्होंने वर्गीत लिखा था, उन्होंने नाटक लिखा था, उन्होंने बहुत कुछ इस तरह से क्या है कि
आप साधारण सब से किसी को बोल नहीं सकता है कि ये हम मानसिक विकास कैसे करें। इसके लिए कुछ तरीका होता है कि जैसे हम पेंटिंग से हो सकता है, थिएटर एक्टिविटी से दिखा सकते हैं, हम लिख के किसी को बता सकते हैं। ये इसी तरह से जो गुरु शंकरदेव ने किया था, तो कभी गुरु ने भी यही से किया था, एक रिफॉर्मर था। मैं कहूंगा कि इन्होंने एक रिफॉर्मेशन लाने के लिए कोशिश किया था, और वो कोशिश इनका अलग अलग जरिया था कि पोएम से हो, अपना संगीत से हो, अपना थिएटर से हो, अपना पेंटिंग करके हो। इसीलिए वो बहुत ही रेस्टलेस था, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या किया था, एक फ्रीडम फाइट करके देश को आजाद करने का कोशिश था, और आजाद होने के बाद इस देश को कैसे एक फुल प्रेजेंट आप एक नेशन बनाया जाएगा, मानसिक विकास किया जाएगा, तो वो रिवोल्यूशन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मुझे उनका काम में प्रशांत भाई, हाँ प्रशांत भाई, जो आपने शंकरदेव का नाम लिया या नामघर की जिक्र किया, तो मुझे मझौली याद आता है, मुझे मुझे मझौली की स्मृतियां याद आती है, क्योंकि शंकरदेव से बहुत टैगोर ने इंस्पिरेशन पाया था, बहुत इंस्पिरेशन पाया था। और ये जो नामघर होते थे, ये जो सत्र होते थे, तो शायद शांति निकेतन वो कंटेम्प्ररी सत्र के रूप में हमारे सामने आता है। ये सही आपने बात बताया कि आसाम, आपने जो सवाल किया था कि आसाम और बंगाल का जो टैगोर का काम में हो, एक ऐसे ही रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि गुरु शंकरदेव का जो टूल था उस टाइम में, टूल बोला करता था, तो मतलब जो अभी जो स्कूल कॉलेज बोला जाता था, वहां पे नेचर में जाके पढ़ाई करता था। जो चीज आप देखिए, वो चीज शांति निकेतन में गुरु कवि गुरु ने वो शुरू किया था। आप कोई भी चीज जब सृष्टि करने जाएंगे, उसके लिए आपको उसी एनवायरमेंट में जाके आपको अनुभव करना पड़ेगा। जो अनुभव उन्होंने करवाया था वो शांति निकेतन प्रतिष्ठा करके, जो गुरु शंकरदेव ने 1500 शताब्दी में, गुरु शंकरदेव ने 1500 शताब्दी में किया था, वो चीज हमारा कवि गुरु ने भी उस चीज को एडॉप्ट किया। टैगोर की उस रेस्टलेसनेस जो अभिनव ने जिक्र किया, और फिर वो उछल के प्रशांता जी की तरफ आ गई, तो वो रेस्टलेसनेस कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमको फील हो रही है, वो एनर्जी, उस ऊर्जा को हम पाते हुए महसूस कर पा रहे हैं अपनी तरफ। अभिनव भाई, फिर से आपकी तरफ आता हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, अभी थिएटर पे फिर आते हैं, तो जी जब थिएटर की बात करेंगे हम, तो रविंद्रनाथ को सिर्फ एक प्ले राइट की तरह नहीं देखकर छोड़ देना पड़ेगा, हमें उनको एक थिएटर डायरेक्टर के तौर पर भी देखना होगा। आमतौर पर मैं देखता हूं कि लोग उनके नाटकों पे बात करते हैं, टेक्स्ट पे बात करते हैं, लेकिन एक निर्देशक के रूप में उन्होंने क्या नया किया और उसके अनुभव के आधार पर फिर नाटकों में जो उन्होंने चेंज लाए, उस पर कम बात होती है। तो मैं बहुत कम शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं कि जो शुरुआती बंगाली नाटक थे वो इंग्लिश प्लेज से इंस्पायर्ड थे। क्यों हुए? क्योंकि ज्यादातर जो एलिट क्लास था, बंगाली जमींदारों की फैमिलीज जो थी, वो कलकत्ते में आकर बसने लगी। कलकत्ते में अंग्रेज पहले से थे, और वहां वाली क्या नाम है, अरे वो जो सिराजुद्दौला के साथ जो लड़ाई हुई, उसके बाद जब कलकत्ता बन गया कैपिटल, तो वहां पे वो बन गया कल्चरल हब भी ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के लिए। अभी इन ब्रिटिशर्स के बहुत अच्छे रिश्ते इन रॉयल फैमिलीज के साथ, इन जमींदार फैमिलीज के साथ होते थे, तो इन रॉयल फैमिलीज के बाद के जो जनरेशन है, मतलब जो 18 सेंचुरी के बाद के जो जनरेशन के बच्चे, वो इंग्लिश में पढ़ने बोलने लगे, वो उनके साथ उठने बोलने लगे। इसीलिए माइकल मधुसूदन दत्त जैसा एक कैरेक्टर जो है, वो बांग्ला पढ़ता ही लिखता नहीं है, और वो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करता है शुरू में। और जब उसको एक जगह, एक समय जाकर लगता है शायद गुरुदेव के साथ बैठकर बात करते हुए, और इनके साथ विद्यासागर के साथ बात करते हुए, कि उनको लगता नहीं, उनको अपनी भाषा में आना चाहिए। तो ये जो आप इसी से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो जो पूरा जमींदार समाज था, वो बहुत ही इंग्लिश एक अवेकनिंग को फॉलो कर रहा था। ब्रह्म समाज की भी स्थापना जो है वो एक मिशनरी की तरह होती है, आप उसे बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब का प्रभाव रविंद्रनाथ पे पड़ता है। रविंद्रनाथ क्या करते हैं, बहुत ही समझदारी के साथ, जैसे आश्रम की बात प्रसन्नता जी कर रहे थे, वो एक
पुरानी चीजों में आश्रम का जो उनका कॉन्सेप्ट उनको अच्छा लगता है, नेचर के साथ स्टूडेंट रहेगा पढ़ेगा, इमेजिनेशन को बहुत बड़ी जगह देना चाहते हैं अपनी शिक्षा में। जिस आजादी की बात अभिषेक जी कर रहे थे उसमें इमेजिनेशन की बहुत बड़ी जगह है, तो उसको वो लेके आते हैं, वो वैदिक शिक्षा के उन कुछ चीजों को लेके आते हैं, उसी तरह संस्कृत प्लेस से वो कुछ चीजों को लेके आते हैं और एकदम मॉडर्न थिंकिंग की तरफ उसको मोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, जात्रा जो है फोक थिएटर, उस समय के जो कोलकाता में जो नाटक हो रहे थे उसमें जात्रा को बहुत ही मतलब गांव का थिएटर माना जाता था, वो जात्रा से इंस्पायर होते हैं और बिल्कुल नए तरह का थिएटर बनाने की कोशिश करते हैं। और वो जोरासांको उनका जो घर है कोलकाता में, वहां पे वो एक हॉल होता है उनका बड़ा सा, वहां पे वो थिएटर करते हैं और वो प्राइवेट शोज करते हैं। ये उनका 20 साल की उम्र से वो एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करते हैं, जो बिल्कुल जो इंग्लिश प्लेस से इंस्पायर्ड बंगाली प्लेस से बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है, बहुत छोटे उसके उसका जो एमेचरिश तो होता ही है शुरू में, बैकड्रॉप वो रखते हैं एक पेंटिंग किया हुआ, एक पर्दा पीछे लगाते हैं और उसके बाद वो लगभग 20 साल तक वो इसी टेक्निक को अपनाते हैं। अब टेक्निक पे बात करते हुए एक निर्देशक के टेक्निक के हिसाब से मैं आगे बात कर रहा हूँ, जब वो शांतिनिकेतन आते हैं उस पर्दे को हटा देते और स्टेज पर जो सेट होता है उसको वो कम करते हैं थोड़ा सा, और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सेट थ्री डायमेंशनल लगे, साथ में वो ओपन स्पेस में थिएटर करने की कोशिश करते हैं। वो अपने क्योंकि मैं आगे पहले मैंने बोला कि वो कोरस में काम ज्यादा करते हैं, टीम वर्क उनके प्लेज में ज्यादा दिखने लगता है, तो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये मेरी स्क्रिप्ट है इसको अब आप करो। मजेदार बात है कि आज से 100 साल पहले एक आदमी स्टूडेंट को छूट दे दे रहा है और उसको एक तरह से वर्कशॉप करने कह रहा है, जो हम बाद में हम अभी लास्ट हिंदुस्तान में तो मतलब 80 के दशक में जाकर ये इस तरह का शुरू हुआ है कि वर्कशॉप बेस्ड प्रोडक्शंस हो। तो वो क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट दे देते हैं रॉ और कहते हैं कि तुम लोग करो, और बैठ के वो कुर्सी पे देखते रहते हैं और फिर अगले दिन फिर उसमें कुछ लिखते हैं और लेकर आकर कहते हैं अब मैंने ये कर दिया है इसको लिखो। ये एक जो बेचैनी है, एक नया वो यानी वो अपने से छोटे स्टूडेंट से सीख रहे हैं। एक कोई नाटक है मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसमें एक दृश्य है जिसमें मंत्री राजा मंत्री से कहता है कि ये जो युवा है इनको धनुर्विद्या और इनको जो है ये सब सिखाने के लिए गुरुजी को बोला कि नहीं, तो मंत्री जी बोलते हैं कि अरे गुरुजी तो बुजुर्ग हैं, वो इनके पास जाएंगे तो ये जो यंग लोग हैं ये भी उनके जैसे बूढ़े हो जाए मस्तिष्क से बूढ़े हो जाएंगे, बल्कि हमें इनकी जो ऊर्जा है इनका जो जीवन को जीने का उत्साह है वो सीखने की जरूरत है। तो ये एक्चुअली फिलोसफी एक तरह से रविंद्रनाथ का, इसीलिए वो जो बीच का जो 20 साल है वो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने देते हैं। फिर लड़कियां उनके जब शांतिनिकेतन में आने लगती है नाटकों में लड़कियों के रोल बढ़ने लगते हैं और उसके बाद से जेंडर पे वो नाटक लिखना शुरू करते हैं। जो लड़कियां वहां पे हॉस्टल्स में रह रही है उनके साथ वो बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां समझते हैं, उनकी इच्छाएं समझते हैं, उसके पहले भी वो कर रहे होते हैं लेकिन वो कर रहे होते गीतों में, वो कर रहे होते शॉर्ट स्टोरीज में, लेकिन नाटक में बाद में कर रहे हैं। अब एक जगह एक और चीज मैं बता रहा हूं, वो स्टेज पे बाद में जाकर क्या करते हैं, स्टेज से सारा सेट हटा देते हैं और ये पॉइंट आउट करके कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा ऑडियंस इमेजिन करे, मैं उसके इमेजिनेशन को बाधा नहीं डालना चाहता। तो ये इमेजिनेशन की जो बात है ये फिर हम उनके आगे नाटकों में देखेंगे, नाटकों में आजादी, नाटकों में इमेजिनेशन, जिसका डाकघर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आजादी और इमेजिनेशन को लेकर ही वो नाटक लिखा गया। अगर आप कहें तो अभी बात करें या हम नहीं नहीं फिर से हम आते हैं अभिनव भाई। अब अभिषेक जी की तरफ हम रुख करना चाहेंगे अपना। अभिषेक जी, शिक्षा की तो हम बात करेंगे ही, थोड़ा सा मैं नेशनलिज्म पे आपसे चाहूंगा कि आप उसको कैसा देखते हैं, स्पेशली ये जो जनगण मन है इसको लेके कई तरीके की पॉलिटिकल आपको पता ही है कि क्या क्या बातें होती है, किस तरह से होती है, तो ये गीत, ये जो राष्ट्रगान है हमारा, ये कैसे जोड़ता है, या उनका जो नेशनलिज्म है टैगोर के भीतर का, उनका जो देश है या जो देश के प्रति अपनी एक एक कुछ कुछ करने की जो उनकी उनका जो एक
क्या क्या इंक्लिनेशन है वो कैसा आप उसको समझ रहे हैं, स्पेशली जनगण मन को आप थोड़ा सा फोकस करते हुए? तो ये एक्चुअली ऐतिहासिक संदर्भ में मैं थोड़ा सा भी कच्चा हूँ इस मामले में कि जनगण मन पर बहुत सारा विवाद है और टैगोर पे आरोप भी है, कभी कभी आरोप के शक्ल में भी वो आता है और कभी कभी इस तरह से भी आता है कि उसको स्थापित किया जाता है कि ये जो भारतीय एक परंपरा रही है जिसमें हम अतिथि देवो भव जैसा एक नोशन भी रखते हैं, तो उस भाव के तहत जो उस वक्त की सत्ता थी, उस वक्त की सत्ता को एक तरह से अगेन हम ये कह रहे हैं कि देखिए आप सह सत्ता के साथ भी एक सह अस्तित्व की यहाँ पर एक बातचीत हो रही है, तो उसके पीछे एक भाव ये भी आता है कि ठीक है, हर एक व्यक्ति जब एक समाज में रहता है तो उसकी कुछ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो जो लोग सत्ता में हैं उन सत्ता में रहने वाले लोगों की बाकी और जो शेष प्रजा है उस शेष प्रजा के प्रति एक जिम्मेदारी है, तो वो एक जो जिम्मेदारी को साझा करने का एक भाव है और कवि की वहां पर एक प्रतिक्रिया आ रही है कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो यहाँ भारत और भाग्य और विधाता जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है, ये शब्द आते तो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से है लेकिन संदर्भ वहां पर क्या है, तात्कालिक समाज है और तात्कालिक समाज में एक सत्ता है, एक राजनीति है, राजनीति और आम आदमी के बीच में एक संबंध है और वो संबंध कैसे सौहार्दपूर्ण हो सकता है, उस सौहार्द की भावना से ये जनगणमन निकलता है, जिस पर एक आरोप भी आता है कि ये तो अंग्रेजों की गुलामी करना हुआ, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करना एक तरफ ये आरोप आता है कि अंग्रेजों की गुलामी करना हुआ और दूसरी तरफ पूरी विचारधारा ये भी कहती है कि नहीं, वो एक सांस्कृतिक परंपराओं का एक पोषण है, उसके कंटिन्यूटी में उसको देखा जाना चाहिए, ये भाव उस कंटिन्यूटी में आता है। और हम ये देखें कि आप देखिए टैगोर का ये भाव और गांधी का वह भाव जिसमें वो अंग्रेजों की जाकर एक युद्ध में, बोर युद्ध में जाकर मदद करते हैं, एक तरफ वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो बोर युद्ध में जाकर अंग्रेजों की मदद भी करते हैं, और पूरी दुनिया में जो हिंसा फैल रही थी उस हिंसा के खिलाफ अपना एक आंदोलन भी खड़ा करते हैं। तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को बहुत ही एहतियात से समझे जाने की जरूरत है कि वो व्यक्ति के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में और एक प्रैक्टिशनर के रूप में जो दूरी है उसको पाटने, उसको कम करने का व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास किस स्तर पर जाकर कर रहे हैं। तो ये जनगण मन के रूप में जो अभिव्यक्ति हो रही है, मैं इसको ऐसे ही देखता हूं कि एक रचनाकर्मी, एक रचनात्मक व्यक्ति जो कि एक समाज का हिस्सा भी है, एक राजनीति का हिस्सा भी है, इस पूरे वैश्विक परिदृश्य में जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उससे उसका एक वास्ता भी है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहते हैं कि अभिव्यक्त कर रहा है, जिसका एक स्रोत जाकर हमारी अतिथि देवो भव जैसी जो नोशन है उसके साथ भी जाकर जुड़ता है। ये इतनी ही मैं समझ रखता हूँ, जैसा कि मैंने टॉक की शुरुआत में भी कहा था कि ये मेरी अनुवाद पर आधारित अपनी एक समझ है, बांग्ला में क्योंकि मैं मूल भाषा में ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, तो उसके सही अर्थ और सही राजनीतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर ये मैं एक दुस्साहस कर रहा हूँ। अगर हम जनगण मन का पूरा टेक्स्ट, बिल्कुल अगर हम जनगण मन का पूरा टेक्स्ट पढ़े तब फिर हमें समझ में आता है वो राष्ट्र की बात ज्यादा हो रही है और किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि वो पूरे जनगण मन को जितना राष्ट्रगान में है उतने ही नहीं, उसके पूरे मतलब जो जितना लिखा गया है पूरा उसके साथ देखकर समझने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, हम लोग अपनी जो तय सीमा थी समय की, क्योंकि हर चीज का एक फ्रेम है, एक टाइम है, उस देश और काल ने जिसने हमको बांध रखा है, तो उसकी तय सीमा को हम लोग तकरीबन लांघ चुके हैं। और वो जो शुरू में जो बात आई थी, वो जो इनक्विजिटिवनेस, वो हमारे भीतर लगातार फ्लो कर रही है, वो जो क्वेस्ट, वो इंक्वायरीज, वो उनसे हम रूबरू मतलब गुजर रहे हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे जी, ये विषय जो है ये बहुत ही व्यापक है और
और जो आप लोगों ने बातचीत की अभिषेक जी, ये पूरा चर्निंग है जी, ये चर्निंग है, इसको हमको लगातार कुछ ना कुछ पाते रहना है और हम सब उस सह अस्तित्व में, इस श्यामलात, इस नॉलेज की श्यामलात में हम सहभागी हैं। ये सह अस्तित्व की यात्रा है, यह सहभाग की यात्रा है। तो इस यात्रा को हम और भी कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप आज स्टूडियो में आए, आपने अपने अपने व्यूज को शेयर किया। प्रशांता जी, आपने जिन एस्पेक्ट्स को खोला, पेंटिंग को खोला, असम से हमको जोड़ा, बांग्ला से हमको जोड़ा, सत्र की बात की, अभिनव भाई ने जो थिएटर के विभिन्न जो पहलू थे उनसे रूबरू करवाया, बहुत सारी मतलब एक स्टिमुलेटिंग आइडिया, स्टिमुलेटिंग थॉट आया है आज सामने। और अभिषेक जी का तो हम क्या कहें, आप तो हमारे भी टीचर हैं, तो मेरे भी व्यक्तिगत रूप से अभिषेक जी टीचर रहे हैं। जी सर। नहीं, मैं बस मैं यही बात, मैं छोटा सा कोई एक्सर्ट पढ़ना चाह रहा था असल में टैगोर का। जी जरूर जरूर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और वो एक बड़ा लेख है उनके शिक्षा दर्शन में, और वो अंग संचालन के बारे में बात करते हैं, कलाओं के बारे में बात करते हैं, शिक्षा में कला के समावेशन के संदर्भ में बात करते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि जी, बच्चे निष्कंप बैठ विचार ग्रहण करने की आदत जल्दी सीख लेते हैं। सॉरी, यहां से शुरू करता हूं कि बच्चों का पूरा शरीर अभिव्यक्तिमय होता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो पहला गलत कदम उठाते हैं, वहां हमें बैठे बैठे सोचने को कहा जाता है, सोचते हुए हाथ नहीं हिलाना चाहिए। अध्यापक के सामने हम अनेक मुखौटे पहने रहते हैं, बराबर हमें उन शारीरिक क्रियाओं को काबू में रखने को मजबूर किया जाता है जो हमारे चिंतन के समानांतर और साथ साथ चलती रहती है। बचपन में जब कभी हमारे भीतर कोई मनोविकार उत्पन्न होता है या कोई विचार हम ग्रहण करने लगते हैं, हमें तुरंत यथोचित और सुसंगत शारीरिक आंदोलन की जरूरत पड़ने लगती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये छोटी सी बात है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता की जो छटपटाहट है, फिर आगे जाके इस लेख में वो शरीर की क्रिया और मस्तिष्क के संबंधों पर खुलासा करते हैं। और आज मनोवैज्ञानिक जो है, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक जो है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस बॉडी माइंड की डायकोटॉमी पर काम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि शिक्षण जो है वो गतिविधि आधारित होना चाहिए, अनुभव आधारित होना चाहिए। और टैगोर इसको अपने जो दिनचर्या की जो बातचीत है उसमें एल्मस के साथ यूं ही कह दे रहे हैं। कमाल है सर, कमाल है। आपने अपने एक शिक्षक को की जो लहर थी अंदर की, उसको बाहर आपने उसको प्रकट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी अभिनव जी, क्योंकि आपने कहा था कि नाटकों के राजनीतिक पक्ष की बात करें, मुझे पता है वक्त चला गया है, लेकिन अगर शुरू कर कुछ एडिट करके हम इस बात को, मैं बहुत शॉर्ट में अगर बोलूं और आप देखिए अगर ये इसको अगर ऐड किया जा सकता है कि नहीं। जी देखिए, मैं तीन चार नाटकों का ही उदाहरण लूंगा। पहले मैं नाटक की बात कर रहा था डाकघर। इस डाकघर में एक लड़का बीमार है और घर के बाहर वो जा नहीं सकता, उसको अंधेरे में अंदर रखा जाता है और उसके लिए जो दुनिया है वो उस खिड़की से दिखती है। तो खिड़की के बाहर वो आने जाने वाले अजनबियों से बात करता है और उनसे बात करके वो इमेजिन करता है कि दुनिया कैसी होगी बाहर। बहुत ही खूबसूरत ये एक मेटाफर है। ये उस समय लिखा जा रहा है जब भारत आजादी के लिए बेचैन है और उस समय का एक पॉलिटिकल उसमें एक नोशन है, साथ में उस बच्चे का इमेजिनेशन भी दिखा रहा है। और भी एस्पेक्ट्स है उसमें, हम अब नहीं जाते हैं। दूसरा प्ले है मुक्त धारा, एक बेहतरीन प्ले, बेहतरीन इस तरह से क्योंकि वो मैन एंड मशीन का जो अर्ली 19th सेंचुरी का जो डिस्कोर्स है उसको हमारे बीच लेके आता है। एक राजा है जो एक झरने को, एक वाटरफॉल को रोक कर उस पर डैम बनाना चाहता है और उस डैम के नीचे मतलब जो गांव होगा वहां पानी अब नहीं पहुंच पाएगा, तो उस गांव के सारे लोग कैसे उस डैम के विरोध में खड़े होते हैं। आपको सुन के कितना कंटेम्पररी लग रहा होगा, लेकिन वो तब लिख रहे हैं। और उस डैम का जो वो मशीन है उसको हटाकर तोड़कर गिरा दिया जाता है, वो अंत है नाटक का। बहुत लंबा कहा जा सकता था पर शॉर्ट में ही कह रहा हूँ। एक और नाटक है रक्तकरबी। रक्तकरबी, मुझे पता है देर हो रही है, लेकिन उस नाटक में भी एक राजा है जो सबको गुलाम बनाकर सोने की खुदाई करवा रहा है और कैसे उसमें नंदिनी नाम की एक लड़की आती है और वो कैसे रिवोल्ट करने के लिए उनको जगाती है, ये भी कहानी है। और एक बच्चों का प्ले है, आखिरी में बताऊंगा, वो बच्चे करते हैं ज्यादातर, इससे ये भी समझ में आता है कि वो बच्चों के अंदर भी वो चेतना डालना चाहते थे,
उसका नाम है ताशेर देश। उसमें एक देश है जहां ताश के पत्ते रहते हैं, लेकिन वो सारे पत्ते एक राजा की ही जय जयकार करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं के नियम मानते हैं, हंसना तक उनको मना है। वहां पे दो लोग आते हैं और कैसे वो ताश के उन पत्तों को इंसान की तरह जगाते हैं, ये इस तरह का एक राजनीतिक जो है वो बात करते हैं। थोड़े कमजोर नाटक हो सकते हैं उनके कंटेम्पररी नाटकों के मुकाबले, लेकिन थीम्स के मामले में, चेतना के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रशांता भाई, आप भी कोई अंतिम स्ट्रोक्स अपने कलर्स के लगाना चाहें तो बस अब इसको फाइनल पेंटिंग अपनी सामने आ जाए। मैं एक ही बात कहूंगा कि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फ्यूचरिस्टिक थे। उनका जो दर्शन है आप जरूर अभी देखिए कि उन्होंने जो आज से 40-50-60 साल पहले उन्होंने जो क्रिएट किया था, जो लिखा था, जो नाटक के माध्यम से हो, कविता के फॉर्म में हो, पेंटिंग के फॉर्म में हो, जो उन्होंने करके गया था, वो आज इसमें हम रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं सोसाइटी में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि क्यों फ्यूचरिस्टिक है, आज का दुनिया आप देखिए, आज जो आप जिस महल में आप जी रहे हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप जो कोरोना वायरस का ये सब जो परिस्थितियां पैदा हो रहा है, जब हम नेचर से अपने आप को अलग कर दिया है, उस चीज में आप देखिए शांति निकेतन, मैं इससे पहले भी किया था, शांति निकेतन जो उन्होंने स्थापित किया था, कारण ही ये था कि आप नेचर से आदमी जुड़े, आपका जो क्रिएटिव अर्ज है तभी आप कर पाएंगे जब आप नेचर से जुड़ेंगे। आज आप देखिए कि ये एक महल बन गया है कि आप नेचर को खत्म कर चुके हो, जितना नेचर ने आपको दिया है उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पाया था, उनको अलावा उनको खत्म कर चुके हो, इसीलिए आपका परिस्थितियां ये हो रहा है। इसीलिए ये जो दर्शन है, टैगोर फिलोसफी जो है, उससे हमें ये सीखने का जरूरी है कि हम नेचर से अलग नहीं है और नेचर के साथ ही है, तो नेचर को आप मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करो, इसको बचाओ, तभी हम मैनकाइंड रह पाएंगे, ये दुनिया रह पाएंगे। बिल्कुल लाजमी बात है प्रशांत भाई कि नेचर को बचाना है, निसर्ग को बचाना है, तभी उसी में हमारा सस्टेनेबिलिटी है, जैसा अभिषेक जी ने कहा, उसी में हमारा अस्तित्व है। एक बार फिर से आप तीनों अतिथियों का, हमारे तीनों क्या कहें कि मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी टीम का, सिटी लाइव टीम का शुक्रिया, हमारे दर्शकों का शुक्रिया, और आप यहाँ पे आए, आपने अपने अपने व्यूज को शेयर किया और हम सब ने मिलके सीखा, और सीखने की जो प्रक्रिया है इसको हम सलाम करते हैं, इन जज्बातों की हम कद्र करते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय जय। Live, a platform to sharing your thoughts.